नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। नींद अभी तक मेरी पूरी तरह से खुली भी नहीं है, तो अभी दोपहर के 12 या 1 बज रहे होंगे, तो काफी जल्दी उठ गया मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जल्दी आपको उठना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वैसे मैं इससे भी जल्दी उठता हूँ, कभी कभी मैं दोपहर को 3 बजे भी उठ जाता हूँ, 1 बजे भी उठ जाता हूँ, तो तब भी मुझे बहुत नींद लगती है। तो आज तो खैर 12 बजे उठ गया मैं। तो दिन के 12 बजे आपको उठना चाहिए जल्दी। जब दिन के आप उठते हो तो आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, तो ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। अगर आप आलसी फील करते हो बहुत ज्यादा, तो आपको इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आप जिंदगी में जो है सोचोगे कि आप काम के इंसान हो। निकम्मे नहीं हो आप, बिल्कुल निकम्मे नहीं हो। अगर कुछ काम करोगे आप, अच्छा करोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं ब्रेकफास्ट से मैं सबसे पहला मील कह लेता हूँ। चलिए दिखाता हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा तो घर है बहुत ही साफ सुथरा है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा घर बहुत ज्यादा जो है बहुत बढ़िया है, बहुत नया घर है। ये जो डिजाइन है ऊपर जो देख सकते हो, वो खराब नहीं हुआ है, वो डिजाइन है वो जानबूझ के बनाया है, एकदम आर्टिस्टिक बढ़िया डिजाइन बनाया। तो पहले मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया साफ सुथरा घर है, एकदम लग्जरी घर है, एकदम मजा आ जाएगा आपको। तो देखो पीछे जो है वो पेंटिंग है, ठीक है, वो कुछ लिखा हुआ नहीं है, पेंटिंग है। और ये नोटिस बोर्ड नहीं है, ठीक है, ये बस कुछ है, कुछ लिखा हुआ, मेरे को समझ में नहीं आता क्या क्यों मैंने चिपका है। तो चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा स्टडी टेबल है, बहुत ही साफ सुथरा है। हर जगह जो है मैंने डिसिप्लिन में चीज़ें रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिसिप्लिन में रखी हुई है। ये देखिए, ये मेरा बेड है, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे रखी हुई है, डिसिप्लिन करके रखी हुई है। तकिए, कंबल, रजाई, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से रखे हुए है। ये मेरा चेयर है जहाँ पे मैं हमेशा बैठता हूँ। और ये जो मेरा गिटार है, तो इसको मैंने 3 साल से नहीं बजाया, तो काफ़ी कम टाइम हो गया इसको बजाए हुए। तो चलिए खैर, इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा स्टोर रूम था, ये जो है ये अभी गंदा हो गया है, ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे साफ सुथरा है, नहीं यहाँ भी गंदा हो गया है ये। हाँ ये तो बहुत गंदा हो गया है, अरे कौन गंदा कर गया है, मैंने तो अभी अभी साफ सुथरा करके रखा था इसको। अरे देखिए, पुराने ज़माने की बाइक, अरे इसको तो मैंने चलाना सीखा है पर आपको चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लाइसेंस लगता है जो मेरे पास है नहीं। तो ये देखिए, बहुत डिसिप्लिन में रखा हुआ है सब कुछ, नहीं यहाँ पे थोड़ा गंदा है, हाँ यहाँ पे डिसिप्लिन में रखा हुआ है। अरे और थोड़ा डिसिप्लिन कर देता हूँ, अरे कैमरा उलट गया, अरे और थोड़ा डिसिप्लिन में रख देता हूँ। हाँ अब ये नीचे गिर गया, अब ये डिसिप्लिन में लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे, अरे ये ड्रेसिंग टेबल, इसको थोड़ा डिसिप्लिन में रख देता हूँ मैं। हाँ ये डिसिप्लिन हो गया, अभी बहुत डिसिप्लिन लग रहा है। अरे पैंट ऊपर कौन टांग के रखा है, इसको नीचे गिरा गया, अब लग रहा है कुछ डिसिप्लिन में है ये। और ये सब कुछ गिराना पड़ेगा इसे, हाँ अब ये बिल्कुल जगह पे है, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है जो है रूम। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पूरा अपना घर जो है, जहाँ जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं थी, चीज़ें जगह पे नहीं थी, जगह पे रख दी मैंने। और अब जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में सबसे पहले क्या लेता हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। पहली मील है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम क्या लेंगे, कुछ पेपर्स और हमारी पानी। पानी में मैंने थोड़ा फिनाइल मिलाया हुआ है और हार्पिक की बोतल भी कल लाया था पर ख़त्म हो गई वो। तो हम ब्रेकफास्ट में पेपर और जो है पानी पियेंगे। तो सुबह आपको जो है बहुत सारा पानी पीना चाहिए, पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, पेपर और पानी क्यों? देखो पेपर जो है वो बनता है पेरो से, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल है, इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। पेपर पूरा मैं कम से कम 10-12 पेपर जो है वो बिल्कुल निगल लेता हूँ, उसके बाद पानी जो मैं पी लेता हूँ। और पानी सिर्फ मैं मुँह को ही नहीं पिलाता, पूरे मतलब पूरे चेहरे को पानी पिलाता हूँ, यहाँ पे गले तक मैं मतलब, और नीचे भी मतलब देखो पूरा सर भी पानी पी गया। तो जो है पूरे बॉडी को पानी पिलानी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह को ही पिलाइए, दिस इज अनफेयर। मुंह को पिलाने से कोई काम नहीं बनता, आपको पूरे शरीर को पानी पिलानी चाहिए।
तभी जो है आप एक बहुत बढ़िया हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो अब जो है पहला मील हो चुका, अब काम पे जाने का है तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मैं दूसरा मील लूंगा, उसके बाद मैं काम के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे मील तक हम आते हैं। तो दूसरे मील के लिए हम लेंगे डर्मिकूल पाउडर, मोर्टिन लिक्विड और मारी पानी, और ये कुछ है, कुछ ये हेयर नहीं, ये हेड बाम है, जब सर पे दर्द होता है तो लगाते हैं, पर ये एक्सीलेंट मील है, इससे बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है। तो हम इसका जो है एक सेकंड ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले, हम काम कर सके। तो मिलते हैं मील के बाद। तो भाई लोग, जो मैं सॉरी डर्मिकूल खाने का मोर्टिन पीने का मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को जो है नशा हो गया, और इस चक्कर में काम पे भी मैं नहीं जा पाया, और कैमरा जो है मेरे हाथ से गिर गया, बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो बस अभी कितने बजे यार, तो अरे 12 बज गए रात के। ये देखो मेरी जो है खरी है, ये देखो देख सकते हो आप, ये खरी है मेरी, मैं देखा हाथ पे बनाई है मैंने ये घड़ी। जो इसकी खास बात ये है कि कभी ये गलत टाइम नहीं बताती, और चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा घड़ी में इतने ही बजते हैं, बस 12 और 3 पे होते हैं काटे, तो मेरे को पता होता है सही टाइम क्या है। तो ये सही टाइम नहीं, काम पे मेरे को जाना था, मेरे को 3 बजे जाना था, तो अभी इसमें 12 बज गए तो मैं नहीं जाऊँगा। तो हो गया दिन पूरा ख़त्म हो गया आज, आज मेरे को कुछ नहीं करने का है। हाँ आज तो आज के लिए यही वीडियो है भाई, और क्या दिखाओ आपको, जैसे अपनी टट्टी करना दिखाओ, ब्रश करना दिखाओ, ये सब मैं करता ही नहीं। टट्टी जो है हो जाती है, वो कभी कभी हो जाती है, बाकी वह मेरे को पता नहीं कब टट्टी होती है, कब सुसू आती है मेरे को, और मैं सब कुछ ऐसे हो जाता है मेरा। तो जो है मैं बहुत ही देखो अब हेल्दी एक लाइफस्टाइल है मेरा, देखो डर्मिकूल, जैसे मोर्टिन पेपर और भी कई सारी चीज़ें, मैं फिनाइल भी लेता हूँ जैसे आपको मैंने बताया, मैंने हार्पिक की बोतल भी निकल ली थी कल, और जो है मैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हेल्दी चीज़ें लेता हूँ, जैसे कि आपका हो गया अब नूडल्स का जो मसाला होता है, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कंपनी सोचेगी उसको प्रमोट कराऊँ, मैं प्रमोट नहीं करूँगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, किसी ने एक पैसा नहीं लिया है प्रमोशन का। और जो दूसरी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूट्यूब से रिलेटेड है। तो मैं यूट्यूब में जो है 2 साल से हूँ, और मेरे को दबा के पैसा मिला, इतना पैसा मिला है कि मतलब मैं आपको आज अपनी इनकम दिखाऊंगा, मैं आपको भाई मानता हूँ, मैं आपको भाई बहन है सब मेरे, मैं आपको एकदम घर के जैसा मानता हूँ, आपको आज मेरी इनकम दिखाऊंगा, जो मेरी बहुत बढ़िया इनकम हुई है, पागल हो जाओगे आप यार, क्या जियो क्या अंबानी, कुछ नहीं मिला उनको, उससे ज़्यादा पैसा है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो भाई लोग, जो मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई लोग, जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है वो मेरे पास है, मुझे यूट्यूब की अब तक की इनकम है, गारंटी देता हूँ, अंबानी टाटा बिरला किसी के पास नहीं है, ये अनमोल खजाना से मेरे पास है, ज़्यादा पैसा है उनसे मेरे पास है। तो दिल खाम के बैठो, देखो क्या है मेरे पास, वो ये है, देखो ये क्या है, 1 रुपए का सिक्का है ये, 1 रुपए का है। जाओ अंबानी बिरला टाटा किसी के पास भी चले जाओ, कितना भी रोक रहा है कि ना, 1 रुपया किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। आज के जमाने में जिसके पास 1 रुपया वो अमीर है, बाकी सब गरीब है, बाकी के पास क्या होता है, अभी पैसा भी नहीं होता है, कैशलेस इकोनॉमी है ना, वो क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, पेटीएम होता है, अरे ये सब किसी का होगा नहीं, 1 रुपया सब कुछ है भाई, देखा, 1 रुपया सबसे बड़ा अमीर कौन है जिसके पास 1 रुपया है, क्योंकि देखो मोबाइल के दाम कैसे आते हैं, 10,999, 40,999 99, वो 1 रुपया वहां पे ऐड नहीं किया, क्यों नहीं है किसी के पास, जिसके पास 1 रुपया है सबसे ज्यादा अमीर है, सोच के देखो। तो मैं जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ क्योंकि मेरे पास 1 रुपया है, बड़े बड़े कंपनी के पास भी नहीं है यार, एप्पल भी देखो 40,000, 60,000, 1 लाख,
999 एक रुपया ऐड नहीं करते, क्यों नहीं है एक रुपया ही नहीं है किसी के पास, कोई अमीर नहीं है, सब गरीब है, अमीर वही है जिसके पास एक रुपया है, तो मैं हूँ सबसे बड़ा अमीर। तो बहुत बोल चुका मैं, नहीं मैं बहुत कम बोला आज एक्चुअली, तो मैं ऐसे तो बहुत बोलता हूँ, एक दो घंटा में बोल ही देता हूँ, लेकिन आज जो है मेरा बहुत मतलब हेल्दी खा लिया ना तो अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की व्लॉग, आपको वो पसंद आई होगी, बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपको, और आपको ऐसा लगा होगा कि मान लो कि बहुत, हाँ ये आज मैं बंदा मेहनत करता है, मैं इससे बिल्कुल इंस्पायर्ड हो गया हूँ। अगर आप इंस्पायर्ड हुए तो इसको लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी मतलब बहुत मेहनती है, ताकि उनको भी और मोटिवेशन मिले कि और मेहनत कर, जो आलसी है उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि कैसे मेहनत करने का, अच्छा खाने का, डर्मिकूल, फिनाइल और क्या बोलते हैं मोर्टिन, और जो एक रुपये कमाने के लिए सबको बोलो, एक रुपया किसी के पास नहीं, जिसके पास एक रुपया है वो सबसे अमीर है। तो बस आज के लिए इतना ही, दिस इज तुकरी साइनिंग आउट, ओवर एंड आउट, बाय। एक रुपया अमीर